सुल्तानपुर केंद्रीय मंत्री व अमेठी जिले की सांसद स्मृति ईरानी एवं उनके निजी सचिव कहे जाने वाले विजय गुप्ता समेत तीन के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने मुकदमा दायर किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, विजय गुप्ता व सह आरोपी डॉक्टर रजनीश सिंह के खिलाफ केंद्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाने के नाम पर 25 लाख रुपए की डिमांड एवं प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह के साथ फ्रॉड करके उनकी भावनाओं के साथ खेलने का गंभीर आरोप लगा है। मैं वर्तिका सिंह अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हूँ, पूर्व राष्ट्रपति स्वर्ण पदक द्वारा सम्मानित हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमेन की पूर्व छात्रा अध्यक्ष रह चुकी हूँ। एक्चुअली माननीय स्मृति रानी जी के निजी सचिव विजय गुप्ता जी और साथ में एक डॉक्टर रजनीश सिंह जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और वो स्मृति रानी जी से उनसे डायरेक्ट बात होती है, जो कि मैंने सारे प्रमाण दिए हैं। इन लोगों ने एक लेटर जारी किया हमारे नाम पे, जो कि केंद्रीय महिला आयोग में सदस्य की नियुक्ति के लिए था, और बाद में मुझसे 25 लाख रुपए की उनसे मांग की गई, जो कि मैंने मना कर दिया, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और हम लोग उन्हीं के उस पर चलते हैं विचारों पर, तो मैंने उस चीज़ों को मना कर दिया। और मैंने इस भ्रष्टाचार के लिए मैंने मुसाफिर खाना थाने में भी पूरे प्रमाण के साथ माननीय स्मृति रानी जी की रिकॉर्डिंग, विजय सचिव जो उनके निजी सचिव हैं उनकी रिकॉर्डिंग, विजय गुप्ता की और साथ में डॉक्टर रजनीश की रिकॉर्डिंग सारी, प्लस जो व्हाट्सएप पे बातें हुई थी, सब पूरे प्रमाण के साथ दे दिया है। एसपी ऑफिस में अमेठी में भी डाक द्वारा मैंने भेज दिया है सारी चीज़ों को। और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे देश में भ्रष्टाचार ये ख़त्म होना चाहिए और लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने इस पर आवाज़ उठाया है, जो कि मुझे पैसे की डिमांड की गई, जबकि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। मैंने कई जगह पे लड़कियों को, महिलाओं को निःशुल्क शूटिंग का प्रशिक्षण भी दिया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत, कौशल विकास योजना, उज्ज्वला योजना, इन सभी अपराजिता प्रोग्राम, इन सभी में मैं एज अ चीफ गेस्ट भी जा चुकी हूँ, लड़कियों को मैंने मोटिवेट भी किया है। इस मामले में आप स्मृति ईरानी जी से भी मिली थी? तीन बार चक्कर लगाए, जबकि उनके जो सचिव थे उनसे मैंने बताया कि एक गंभीर मामला है, मुझे इमिडिएटली मिलना है, मेरी 26 नवंबर को ज्वाइनिंग है, बिकॉज लखनऊ में जो सांसद जी थे, विधायक जी थे, सब लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, लेकिन वो लोग ट्विटर पे और सब जगह देखा भी सोशल मीडिया पे, उसके बावजूद भी जब मैंने प्रेशर दिया तब जाके स्मृति रानी से मुलाकात हुई मेरी, और मुलाकात के दौरान स्मृति रानी जी ने ये एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा मैडम आपके सिग्नेचर से लेटर है, तो उन्होंने एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरे सिग्नेचर से नहीं है। और दूसरी बात है, मैडम ने बोला आप पैसे ले लीजिए और चली जाइए, तो मैंने कहा मैडम आपको पैसे जब दिए नहीं है तो मैं आपसे पैसे क्यों ले लूँ। और साथ में सर उन्होंने मैडम ने बोला कि मुझे बोला कि, मैंने कहा कि ये जो लेटर है आप इसकी निष्पक्ष जांच कराइए, लेटर मेरे पास आया कहाँ से है, क्योंकि आपके मंत्रालय से आया है, माननीय विजय गुप्ता जिसमें शामिल है, आपकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, डॉक्टर रजनीश जी जिनके साथ आपके घनिष्ठ संबंध है उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, लेकिन इस मामले में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सर जब नहीं, सबसे पहले क्या हुआ था कि मैंने सबसे पहले स्मृति रानी से मुलाकात किया, उसी दिन प्रधानमंत्री आवास गई, प्रधानमंत्री कार्यालय गई, और इससे पहले एक महीने पहले इस घटना से, एफआईआर से एक महीने पहले मैंने एफआईआर जो थी मैंने शिकायत दर्ज कराई थी पीएमओ के पोर्टल पे, उनकी वेबसाइट पे कराई थी मैंने, और मैंने ट्वीट किया उनसे पहले। एफआईआर तो मुझे दर्ज करना था उनके खिलाफ, लेकिन उन लोगों ने, और विजय गुप्ता जी उसमें बोलते हैं कि मैंने जो लेटर बनाया है ये लेटर उन्हें किसी अस्पताल के नाम पे दी थी, उनको कैसे पता है कि ये लेटर वही लेटर है जो उन्होंने अस्पताल के नाम पे दी थे, और कूट रचना अगर मेरे द्वारा की गई है, उस समय लॉकडाउन में मैं अपने घर पर थी, तो इसको साबित किया जाए, ये जाँच का विषय है। मैं चाहती हूँ कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो इस पर, ताकि सच और सब कुछ सामने आ जाए, क्योंकि सारे प्रमाण हमने इन लोगों को दे दिए। आप क्या मानते हैं इसके पीछे क्या वजह रही होगी? सब वजह तो मुझे आई थिंक नहीं पता है, लेकिन मेरा हम लोग का प्रयास जारी है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए और उनको करना ही पड़ेगा, बिकॉज सारे प्रमाण मेरे पास है और मैंने सारे प्रमाण दिए हैं, सारी रिकॉर्डिंग दी है माननीय मंत्री जी की, और इनके साथ जो लोग मिले हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप पे सारे प्रमाण दिए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये सारी सामने, देश के सामने आनी चाहिए सच्चाई। सर क्या नाम आपका? रोहित त्रिपाठी, एडवोकेट। सर क्या है आज जो है जो वर्तिका के ऊपर केस किए हैं? आज वर्तिका जी के मामले में एक एप्लीकेशन दाखिल करके जो है विनती किया गया कि माननीय स्मृति ईरानी, उनके निजी सचिव विजय गुप्ता, डॉक्टर रजनीश सिंह जो कि बीजेपी के पदाधिकारी हैं, इन लोगों ने चीटिंग करके फोर्ज डॉक्यूमेंट बना करके इन्होंने हमारे साथ चीटिंग किया है और नियुक्ति का खेल खेला है, और अपने को बचाने के लिए इन्होंने उल्टा एक एफआईआर हमारे खिलाफ़ कराया था। उसी पूरे मैटर पे हमने एक एप्लीकेशन डाल करके एफआईआर दर्ज कर इनके खिलाफ़ योजना करने की मांग किया है। मैंने सारे एविडेंसेस लगाए हैं,
तमाम वर्तिका सिंह के द्वारा जो है वो भी दिया गया है, कॉल रिकॉर्डिंग्स दी गई हैं, व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग दी गई हैं, सारी चीज़ें हमने दाखिल किया है। आज माननीय कोर्ट में बहस के दौरान माननीय कोर्ट ने ज्यूरिडिक्शन का एक क्वेश्चन उठाया है, तो जिस पे मैंने जवाब दिया कि चूँकि मैटर का एक पार्ट की इन्वेस्टिगेशन आपके ज्यूरिडिक्शन में हो रही है, इसलिए शेष पार्ट की भी इन्वेस्टिगेशन आपके ही ज्यूरिडिक्शन में होगी, तो जिस पे सुनवाई के लिए उन्होंने जो है वो 2 तारीख के लिए आगे की डेट लगाया है। तो आपका परिवाद एक्सेप्ट हो गया है? जी।